दिवाली से पहले पड़ने वाले शुक्रवार पर लोग सबसे ज़्यादा जादू टोना धन प्राप्ति के लिए करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अगर आप अमीर हैं तो आपके घर के बाहर का मनी प्लांट तोड़कर ले जाएंगे, जबकि उन्हें पता नहीं है कि ऐसा करने से उनका ही दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उन्हें नुकसान होगा, उनका बुध ग्रह खराब हो जाएगा, घर में बेवजह की लड़ाइयाँ होंगी। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो गलती से आज ना करें। महालक्ष्मी का वास जो होता है शुक्रवार वाले दिन मनी प्लांट में होता है। अगर आप किसी के घर का मनी प्लांट तोड़ेंगे या उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो याद रखिए, जो आप नुकसान करेंगे दूसरे का, उससे 4 गुना ज़्यादा नुकसान आपका होगा। हाँ, बशर्ते आप ये कर सकते हैं कि आज के दिन धन प्राप्ति के लिए एक मनी प्लांट खरीद कर अपने घर में ला के रख सकते हैं। आपकी कोई सहेली, आपकी कोई फ्रेंड है जिसका जीवन में काम नहीं चल रहा है, जिसका मतलब जो स्टक है लाइफ के अंदर, उसको एक मनी प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, आप धन का दान देंगे, धन मिलेगा। आप दूसरे के लिए कामना करेंगे कि हे भगवान, ये बेचारे बड़े परेशान हैं, इनका काम रुका हुआ है, इनका ये काम करा दे, मैं अपनी तरफ से इन्हें मनी प्लांट गिफ्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि इनके घर में पैसा का पेड़ लग जाए। तो भगवान कितने खुश होंगे आपसे कि दूसरे का भला सोच रहा है और शुक्रवार वाले दिन सोच रहे, इतना पेन लेना, बाजार जाना, उसके लिए वो मनी प्लांट खरीदना, उसे देना, तो ये अच्छी कर्म है, तोड़ना ये गलत काम है। तो किसी के घर का सफ़ेद नहीं खाना, इलायची नहीं खानी, लौंग नहीं खाना, कपड़े बाहर नहीं सुखाने, घर में लुबान का धुआं सुबह शाम देना है, उसके ऊपर तेज़पत्ता ज़रूर डालना है। आपको कोशिश करनी है कि 99.9% जब आप बाल कंघा करें तो बालों में थूक कर जो बाल कंघी में रह जाते हैं उसे तब फेंकें, और जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते या जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके जानने वाले रिश्तेदारों के हाथ से भी कलाकंद जैसी कोई भी मिठाई या खीर जैसी कोई भी मिठाई या रसगुल्ले जैसी कोई भी मिठाई आप ना खाएं। और मैं तो आपसे यही कहूँगी कि दूसरे के ऊपर ये चीज़ें करने से यकीन मानिए आपको कैंसर जैसे बड़े घातक बीमारियाँ और रोग भी हो सकते हैं।